हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भैया अब तो आपका वस्त्र दे दिया, भैया आप जाने दीजिए मेरे भैया। मैं ऐसे तुझे नहीं जाने दूंगा चौकीदार। हाँ सरकार। तुम जाओ, मेरे दोस्त जानी को बुला लाओ। जय श्री आज्ञा हो। जाओ। मेरे दोस्त अर्जुन, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आखिर आप मुझे यहाँ पर क्यों तत्काल बुलाए? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं मेरे दोस्त। दोस्त, मेरी बात को गौर से सुनो। ये जो मेरा भाई अमर है। अरे क्या हुआ अमर को? अमर मुझसे बगावत कर रहा है। क्या अमर तुमसे बगावत? बगावत कर रहा है। ले जाकर के जंगल में इसकी दोनों आंख को फोड़ दो। और ये ना समझना कि ठाकुर अर्जुन सिंह का भाई है मेरे दोस्त का भाई है। मेरे दोस्त अर्जुन, आपका हुक सलाखों पर। आप जैसे बोल रहे हैं ये जानी बाबू करने के लिए तैयार है। मैं इसी वक्त जंगल में ले जाऊंगा अमर को और उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और हम और भसंती, मैं चल रहा हूं आराम करने के लिए। तुम जंगल में ले जाकर के इसकी दोनों चश्म को जरूर फोड़ देना। चलिए मेरे दोस्त अर्जुन सिंह। अमर, तुम तो अपने बड़े भाई अर्जुन सिंह की बातें सुन रहे हो ना? हाँ भैया। जानी बाबू, मैं बात तो जरूर सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है दोस्त? जिस दिन से मेरे घर में आए हो भैया, आपको मैं बड़े भाई का दर्जा दिया हूँ। आपको मेरी आंखें फोड़ कर क्या मिलेगा भैया? लेकिन अमर मुल्ला, तुझे मालूम होना चाहिए ये तुम्हारे बड़े भाई अर्जुन सिंह का आदेश है। अगर मैं अर्जुन सिंह का कहने के अनुसार काम नहीं करूंगा तो मेरा दोस्त कभी मेरे को माफ नहीं करेगा, मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन भैया, आप हमें जंगल में ले चल के छोड़ दीजिए, मैं भाग जाऊंगा भैया, कभी नहीं आऊंगा। मर साले हरामखोर, मर मर साले, तड़पड़ा तड़पड़ा कर कुत्ता, तेरा ही बाप तिलक सिंह साला भैया ऐसे मेरे पिताजी को तड़पा तड़पा कर मारा था ना। आज ये जानी बाबू के दिल में, इस जानी बाबू के दिल और करेजिक में ठंडक मिली है। तिलक सिंह साले, तू इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया है, लेकिन साले ए मेरा कारनामा देखकर तेरी आत्मा साले कांपेगी वहां पर। आज एक बदला मेरा पूरा हुआ। अभी तो हरामखोर साला कुत्ता अर्जुन सिंह है, मौका आने पर अर्जुन सिंह ए साले खंजर तेरे छाती पर न उतारा तो मेरा नाम जानी बाबू नहीं। मैं इस वक्त चल रहा हूं अपने घर। किस गुनाहों की सजा दिए भैया, मेरी दुनिया वीरान कर दिया भैया। या ऊपर वाले,
तेरा ही सहारा है मालिक, कहाँ जाऊं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर एक सहारा मुझे मिल जाता तो उसी के सहारे बस्ती में जाकर भीख मांगता और अपना पेट पालता। या मालिक, कौने करनवा भैया, कौने करनवा भैया, अर बनला तूस मनवा मोरे बेदर्दी बिरना, हो मोरे बेदर्दी बिरना, अंधा हम के ला बना। भौजी कबूला देखी बसंती कल भेनिया, मैं चल रहा हूं, ऊपर वाले का नाम लेकर आगे क्या होता है देखा जाएगा। बाबूजी, मैं तो वहां कंधा हूं, आपसे लड़ गया और मैं गिर पड़ा, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे माफ करना बाबूजी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप इस तरह की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ठीक है भैया, लेकिन आपका नाम क्या है, आप अपना नाम तो बता सकते हैं भैया। और कहाँ के रहने वाले हो मेरे भाई? मेरा नाम आलोक है भाई साहब, मैं ग्राम सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारे परिवार में और कोई है या तुम अकेले हो भैया? नहीं नहीं भाई साहब, मैं भी बहुत ही गम का सताया हुआ हूँ। क्या हुआ भैया? क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे जुदा हो गई है, मैं भी उसी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। या मालिक, ये दुनिया तुमने कैसी बनाई। भैया आलोक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कहने का मतलब है ये दशा मेरी किसने किया, सुनो मैं बता रहा हूँ भैया। मुझको जो भी मिले गम के मारे मिले, रूठ मुझसे गए मेरे भगवान, सत्य कहता हूँ आलोक, अरे सुनो गौरी से, मुझको खाने को भोजन मिले ना। भैया ये दशा और कोई नहीं, ये मेरे बड़े भैया ने किया है, एक वैश्या के चक्कर में पलकर
मेरे भाई, गैर इंसान ने मुझे नहीं सताया है। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। मांग कर भीख खाता हूँ मैं बाबूजी, आपको भी मांग करके खिलाऊंगा मैं, आप भी साथ चलिए मेरे इस घड़ी, टहल निस दिन तुम्हारी बजाऊंगा मैं। अरे मेरे भाई, आप अपने मन में तनिक भी चिंता ना करें, मैं भीख मांग कर खाता हूँ और आपको भी भीख मांग कर खिलाऊंगा। परमात्मा, मैं क्या करूं, एक इंसान है कि मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, एक मेरा भाई है कि मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया, कहां जाऊं? आलोक भैया, मैं आपसे विनती करता हूं मेरे दोस्त, अगर एक कोई मुझे सहारा दे दीजिए जिससे मैं चलने फिरने में मुझे आसानी हो जाए। भैया ठीक है, भैया मैं आपको एक सहारा दे देता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। अमर भाई। बोलो भैया। आलोक भैया, बात क्या है? आओ ये लो, तुम्हारी मदद के लिए मैं छड़ी लाया हूँ। बहुत एहसान होगा भैया आपका। भैया। हाँ हाँ, कहो भाई अमर। आप इंसान नहीं, जैसे हमें कोई देवता लगते हैं भैया। जाइए अपनी बहन का पता लगाइए, हो सकता है आपकी बहन मिल जाए। भैया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। मालिक, इतना नेक आदमी मिला कि मुझे एक सहारा दे दिया। अब मैं चल रहा हूँ कुछ न कुछ गाते बजाते हुए, कहीं न कहीं बस्ती में पहुंचूंगा तो जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। चल रहा हूँ। देखो किस्मत का मेरे फेरा कि हैराम उजड़ा है मेरा बसेरा। अपने हुए सब हमसे परा, अब मैं चल रहा हूँ किसी बस्ती में पहुंचूंगा, भैया लोग की आवाज सुनूंगा तो जरूर खाने के लिए कुछ न कुछ मांगूंगा। चल रहा हूँ। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये दोनों आंखों का अंधा है? लेकिन ये सूरदास, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। अभी जो गाना गा रहे थे आप, वही गाना फिर से गा करके मुझे सुनाओ तो। क्या कहा देवी जी, आपको मैं गाना जो गा रहा था वो गाना गा के सुनाऊं? जी हाँ। लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम तो बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। क्या मेरा नाम उमा है।
बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, आपको मेरा गाना पसंद है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कोई नहीं यहाँ मेरा कि हाय राम उजड़ा है मेरा बसेरा कि हाय राम। देखो देवी जी, मैं आज कई दिन का भूखा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आपने कहा आपको मैं गाना सुना दिया। ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कहना चाहती हो? जी हाँ। कहो। पहले ये बताओ, मेरा नाम तो पूछ लिए आप, लेकिन अपना नाम नहीं बताए। देवी जी, मेरा नाम अमर है, मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने ऐसी चक्कर चलाया कि आज मैं दुनिया में भटक रहा हूँ। या मालिक, कितने सुंदर हैं, लेकिन भगवान पता नहीं कैसे इनको दोनों आंखों के अंधा बना दिए। कौन ऐसे कर दिया? सुनिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। इधर आइए। अरे बोलो, जो कुछ बोलना है दूर से बोलो। पहले सुनिए ना। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अर्तानी माना राजा, तानी माना राजा, हाँ मेरो कहन माना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भी सुनो। क्या कहना चाहते हो बोलो। ये बताइए देवी जी, आप कहाँ से आई और अपना नाम बताया, क्या यही फर्ज होता है नाम पूछने का? मेरी हालत देखो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम तो पकड़ कर झकझोर रही हो। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हो। सुनो, किसी और को खोज लो, जीवन साथी किसी और को। आप मुझसे प्यार करके या शादी करके क्या पाएंगी, मैं तो खुद खाने के लिए लाचार हूँ,
मैं आपको कहां से लाके खिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानना पड़ेगा आपको। अरे हमारी ओरिया हो सैया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवट फेरा है बला मुआ। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने रास्ते जाइए, मुझे मेरी हाल पर छोड़ दीजिए, इसलिए कि मैं आपसे शादी कर लूंगा तो कहां से लाके तुम्हें खिलाऊंगा। मैं तो अपने लिए खुद परेशान हूं, तुम क्यों परेशान कर रही हो। देखिए, चलिए मेरे साथ और मेरी बात मानिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, दुख सुख में हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी। तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें तुम्हारे साथ में नहीं जाना है देवी जी। ठीक है, अगर नहीं मानते हो मेरी बात तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब आपकी मर्जी, आप अपनी जान दें या कुछ करें, मुझसे कोई वास्ता नहीं है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं मानते हो, ठीक है, मैं अपनी जान दे सकती हूँ। नंबर देवी जी, तुम सचमुच में मेरे लिए अपना जान दे दोगी तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जान मत दो। मुझसे रूठा है देवी जी सारा जहां, मुझसे मैं मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, चलो तुम मेरे साथ में, मैं किसी मंदिर में चल करके तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, आओ चलो। तो ठीक है, आप मेरी बात मान गए। जी हाँ, चलिए ठीक है, आओ चलो, मुझे लेके चलो, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। ठीक है, आइए।